तो थार कन्वर्टिबल चलाने का एक अलग मज़ा है। ऑफकोर्स नहीं है आपके पास गाड़ी तो आप उसे हर वक्त खुला नहीं रख सकते, बिकॉज पार्किंग में कहीं भी आप पार्क करके नहीं जा सकते, बट हाँ अगर आप लॉन्ग ड्राइव पे जा रहे हैं तो आप ओपन कर सकते हैं। मज़ा आता है, और बैंगलोर के मौसम में तो बहुत ही अच्छा है, बिकॉज बैंगलोर का मौसम एज यूजुअल बहुत अच्छा होता है, सो इतनी गर्मी नहीं लगेगी। ऑफकोर्स बाकी सब लोकेशंस में जहाँ पर गर्मी ज़्यादा होती है वहाँ आई डोंट नो आपको ओपन करके कितना मज़ा आएगा, बट बैंगलोर में इट्स गुड। एंड मुझे 2 साल हो गए थार लिए, एंड लोग मुझसे पूछते हैं कि यार बारिश में क्या कोई दिक्कत आती है कन्वर्टिबल में, नहीं आती है, आपको सही से लगाने आना चाहिए। मैं एक वीडियो बनाऊंगा कि कैसे आपको वापस से यू नो रूफ़ को फिक्स करना है। अगर आप ठीक से फिक्स करना जानते हैं तो बारिश का एक बूंद भी आपके गाड़ी के अंदर नहीं आता है। मैं बहुत ओपन करता हूँ और दो सीजन से ज़्यादा मैंने बारिश के देख लिए, इसमें कभी कोई दिक्कत नहीं है। ऑफकोर्स इसके अपने एक फ्लिप साइड है, मैं पहले ही बता देता हूँ फ्लिप साइड क्या है कन्वर्टिबल का। यस बेटे, फ्लिप साइड इसका यही है कि जब आप रूफ क्लोज रखते हैं एंड आप गाड़ी हाईवे पे चला रहे होते हैं तो 80 के बाद जो है आवाज़ आती है, ऐसे फड़फड़ फड़फड़ करके आवाज़ आती है, तो आपको म्यूजिक की क्वालिटी नहीं समझ में आती है, डिस्पाइट हमने बहुत अच्छा म्यूजिक सिस्टम लगाया है अलग से, क्योंकि थार का जो ओरिजिनल म्यूजिक सिस्टम आता था अभी तो शायद रॉक्स में बहुत अच्छा डाल रहे हैं, बट पहले जो थार में आता था वो बहुत ही पुअर म्यूजिक क्वालिटी आती थी, म्यूजिक सिस्टम क्वालिटी आती थी। हमने चेंज कराया, अच्छा लगवाया, बट फिर भी उसके बावजूद आप जब हाईवे पे चलाते हैं तो बहुत अच्छी आवाज़ नहीं आती है, बिकॉज वो बाहर का नॉइज़ फट 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 कैनवस का जो नॉइज़ होता है बहुत ज़्यादा होता है, और 100 के ऊपर तो आपका चलाने का मन ही नहीं करेगा कैनवस के साथ, बिकॉज अगेन बहुत ज़्यादा आवाज़ आएगी एंड यू नॉट इन्जॉय द राइड। सो दैट्स अ वेरी बिग फ्लॉ ऑफ हैविंग यू नो कन्वर्टिबल थार फॉर अ लॉन्ग ड्राइव, बट आई थिंक अदर देन दैट बहुत मज़ा आता है। मतलब गाड़ी के चलाने में, मतलब आई एम नॉट एन एक्सपर्ट, मैं आपको बहुत ज़्यादा डायनेमिक्स के बारे में टेक्निकल लैंग्वेज में तो नहीं बता सकता, एंड आई थिंक दैट इन अ वे इट्स गुड, बिकॉज सबको इतना टेक्निकलिटीज़ नहीं समझ में आती है, बहुत सारे लोग खरीदते हैं विदाउट नोइंग द टेक्निकलिटीज़। सिंपल सी बात है, क्या दिक्कत है, ये अभी ब्रेकर आया, अगर ये 20 की स्पीड पे भी होता तो बहुत तेज़ बम्प करती, इतना तेज़ बम्प करती कि पीछे बच्चे अगर हैं तो वो जंप कर जाते हैं। इनफैक्ट हम जब रूफ खोल के रखते हैं तो बहुत आराम से चलाते हैं, क्योंकि बच्चे मुझे लगता है कि उछल के कहीं और गिर जाएंगे, इतनी ज़्यादा बम्प करती है। तो आपको ब्रेकर पे एक्चुअली बहुत स्लो होना पड़ता है, रफ पैचेस में बहुत स्लो होना पड़ता है, तो सस्पेंशन इसका हार्ड है। आई एम श्योर फॉर सम रीज़न दे वुड हैव पुट इट, तो मुझे बहुत ज़्यादा टेक्निकलिटीज FSD वगैरह की नहीं पता, बट हाँ आप जो एक्सपीरियंस करेंगे, जो फील करेंगे, वो सिंपल लेमैन लैंग्वेज में यही है कि आप यू नो बहुत स्लो निकालना रहता है आपको बैड पैचेस पे एंड ब्रेकर पे। सो दैट्स इन शॉर्ट अबाउट थार ड्राइव एक्सपीरियंस। एक्सीलेटर बहुत शानदार है, आप बिल्कुल एक्सीलेटर मत लीजिए तब भी आराम से 15 की स्पीड पे तो आराम से क्रॉल करती है। आप एक नॉर्मल फ्लाईओवर पे, नॉर्मल एलिवेशन पे आप बिल्कुल एक्सीलेटर मत लीजिए तब भी ये चढ़ जाएगी, ऐसा लगता है क्रेव कर रही है पावर के लिए एकदम, मतलब ज़रा सा टच कीजिए एंड जन निकलती है, सो दैट्स वेरी गुड थिंग। ओवरऑल चलाने में बहुत मज़ा आता है, बॉडी रोल एंड बम्प, ये दो चीज़ ज़्यादा महसूस होगा, अदरवाइज पावर के मामले में स्पीड पिकअप इस मामले में बहुत शानदार है। दैट्स ऑल फॉर टुडे, मैं आपको नेक्स्ट वीडियो बना के दिखाऊंगा जहां हम इसका रूफ बंद करना दिखाएंगे और इसका रूफ खोलना दिखाएंगे। दैट्स ऑल, लेट्स गो फॉर मोर राइड्स।